ओम साईं राम। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज मैं अपनी फैमिली के साथ जा रही हूँ शिरडी साईं मंदिर में साईं बाबा के दर्शन करने, और वहाँ से शनि शिकनापुर भगवान शनि देव के प्रसिद्ध मंदिर में भी जाएंगे, जो शिरडी से 65 से 70 किलोमीटर की दूरी पर है। तो हम अपने घर से निकले हैं एग्जैक्ट 7:59 या सुबह के 8 बजे। तो इस ब्लॉग में मैं आपके साथ दोनों मंदिर से रिलेटेड काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन भी शेयर करूंगी। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग और साथ ही इन्फॉर्मेटिव भी होने वाली है। तो इस वीडियो को आप पूरा वॉच करें। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं मुंबई के थाने में रहती हूँ, और मुंबई से शिरडी आप बाय एरोप्लेन, बाय ट्रेन, टैक्सी, बस या फिर हमारी तरह कार से भी जा सकते हो। तो मुंबई से शिरडी के बीच की दूरी 240 किलोमीटर है, और 4 से 4.5 घंटे के बीच का समय वहां पहुंचने में लग सकता है। तो मुंबई से शिरडी जाने वाली रोड अब काफ़ी अच्छी बन गई हैं। तो मैं पहले भी 3 बार शिरडी जा चुकी हूं, और आज मैं ये 4th टाइम जा रही हूँ फैमिली के साथ। मैंने और बच्चों ने घर में ही ब्रेकफास्ट कर लिया था, लेकिन हस्बैंड नहीं कर पाए थे, तो पराठों के साथ ही आलू की सब्जी मैं इन्हें रोल करके दे रही हूँ। तो ड्राइविंग करते करते मेरे हस्बैंड मोस्टली ऐसे ही ब्रेकफास्ट करते हैं जब हमें कभी अर्ली मॉर्निंग निकलना होता है। तो हमने गूगल मैप यहाँ पर ऑन कर रखा है, तो रास्ते में आज काफ़ी कम ट्रैफिक नज़र आ रहा है, तो शायद हम जल्दी पहुँच जाएंगे। तो मैप के हिसाब से शिरडी अभी 38 किलोमीटर दूर है, और 12 बजे तक हम इसके हिसाब से पहुँच जाएंगे। तो फ्रेंड्स, हम शिरडी पहुंच चुके हैं, और ये है साईं बाबा मंदिर एरिया, और यहाँ से शनि शिकनापुर 70 किलोमीटर दूर है। शिरडी पहुंचने के बाद पहले हम जा रहे हैं साईं आश्रम भक्त निवास सामान रखने और फ्रेश होने, और यहीं हम आज रात रुकने वाले हैं। इसकी बुकिंग हमने 15 से 20 दिन पहले ऑनलाइन कर ली थी। तो शिरडी में साईं बाबा संस्थान की तरफ से 3 धर्मशाला हैं, जिसमें से एक ये है। तो यहाँ पहले हमें रिसेप्शन काउंटर में जाकर अपनी आईडी दिखानी पड़ती है। ऑनलाइन बुकिंग नंबर बोलकर पेमेंट करने के बाद हमें रूम की मिल जाती है। तो गाड़ी पार्क करने के बाद हम जा रहे हैं अपने रूम में, जो कि डी विंग में है। तो इस हॉल से ये कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। तो हम रूम में पहुंच चुके हैं, और इस रूम में ये 3 सिंगल बेड लगे हैं। ये आपस में मिल रखे हैं, आप चाहो तो इन्हें सेपरेट भी कर सकते हो। तो एक्स्ट्रा बेड एक हमने नीचे बोल दिया था रात में लगाने के लिए। तो ये नॉन एसी रूम है, और इसका चार्ज 500 रुपीज पर डे है। सामान रखने के लिए थोड़ी बहुत स्पेस और कपड़े टांगने के लिए रूम में एक रॉड लगा रखी है। तो रूम साफ सुथरा है, यहाँ पर ये बाथरूम है नहाने के लिए, बीच में वॉश बेसिन और राइट में टॉयलेट है। तो बाथरूम और टॉयलेट दोनों सेपरेट हैं और साफ सुथरे हैं। तो एक और बात कि जितने भी यहाँ पर विंग हैं उनके हॉल में इस तरह का बड़ा टीवी लगा रखा है। तो मेन साईं मंदिर का लाइव टेलीकास्ट यहाँ पर आप देख सकते हो। तो लंच का टाइम हो गया था, तो हमने सोचा आज का लंच इसी साईं आश्रम में किया जाए, जो कि पूरी तरीके से यात्रियों के लिए निशुल्क है। तो जो खाना साईं प्रसादालय में मिलता है वही खाना तीनों साईं आश्रम में पहुंचता है। तो ये वहां की एक छोटी सी क्लिप है। खाना खाकर और थोड़ा रेस्ट करने के बाद हम निकल चुके हैं शिकनापुर के लिए। तो हमने डिसाइड किया कि पहले हम शनि देव जी के दर्शन करेंगे, और उसके बाद साईं बाबा के दर्शन के लिए जाएंगे, क्योंकि आज तो हम शिरडी में ही रुकने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, हम शिकनापुर जो कि एक छोटा सा गांव है पहुंच चुके हैं, और शिरडी से आने में हमें यहाँ पर 1.5 घंटे का समय लगा है। तो थोड़ा आगे जाने पर शिकनापुर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के लोग एंट्री फीस ले रहे हैं, तो हमने भी 4 मेंबर्स के लिए ये एंट्री टिकट ले ली। गाड़ी को पार करने के बाद आपको इस तरीके की शॉप मिल जाएंगी, जिनसे आप तेल पूजा आदि का सामान ले सकते हो। तो हम मंदिर परिसर में पहुंच चुके हैं, तो मेन पत्थर के अलावा आप यहां पर भी तेल चढ़ा सकते हो। ये भारत का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां मूर्ति की बजाय पत्थर के रूप में भगवान शनि देव निवास करते हैं। तो आसमान के नीचे खुले में ही ये 5 फीट का पत्थर है, जहां पर 3 से 4 फीट के ऊंचे मंच से आप तेल चढ़ा सकते हो। तो तेल चढ़ाने के बाद हमने यादगार के लिए कुछ पिक्स भी ली, जो कि काफ़ी लोग ले रहे थे। तो तेल चढ़ाने के बाद उसी के लेफ्ट साइड में ये गौरी हवन कुंड है, जहाँ पर आप धूप, अगरबत्ती और उपले जलाकर हवन कर सकते हो। तो हमने भी यहाँ पर थोड़ी देर तक पूजा की।
और यहाँ के हवन की राख या विभूति को सर पर लगाकर शनि देव जी का आशीर्वाद लिया। ये शनि मंदिर छोटे से शिकनापुर गांव में है। मान्यता है कि इस गांव में किसी भी घर, दुकान, यहाँ तक कि बैंक के दरवाजों पर कोई भी ताले नहीं लगाए जाते, क्योंकि यहाँ कोई चोरी नहीं करता। अगर कोई कोशिश करता भी है तो उसे भगवान शनि देव द्वारा दंडित किया जाता है। तो पूरी तरह से ये क्षेत्र अपराध मुक्त है और यहाँ कोई पुलिस थाना भी नहीं है। तो यहाँ की जो नारियल बर्फी होती है वो काफ़ी फेमस है और खाने में काफ़ी टेस्टी होती है। तो हमने भी 4 पैकेट नारियल की बर्फी के ले लिए। तो रश ज़्यादा नहीं था तो बहुत अच्छे से हमें यहाँ पर दर्शन हुए। तो शिरडी जाते समय रास्ते में गन्ने के जूस की, इस तरीके की काफ़ी सारी शॉप्स थी, तो इन्हें मराठी में रसवंती गृह कहते हैं। तो हम भी इसे पीने के लिए यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रुक गए। तो यहाँ पर इस तरीके से बिना मशीन के बैल द्वारा गन्ने का जूस निकाला जाता है। तो यहाँ पर ये एक छोटी सी क्लिप मैंने बना ली थी। तो यहाँ पर मैं इस गन्ने के जूस को अपनी फैमिली के साथ इंजॉय कर रही हूँ झूला झूलते हुए। तो थोड़ी देर यहाँ रुकने के बाद हम जाएंगे साईं आश्रम। थोड़ी देर रूम में रेस्ट करने के बाद और कपड़े चेंज करने के बाद अब हम जा रहे हैं साईं बाबा मंदिर। तो यहाँ हम साईं धाम ट्रस्ट की बस का वेट कर रहे हैं, जो हर 20 से 25 मिनट बाद आती है और आपको मंदिर ले जाती है। तो एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपकी किसी होटल या साईं आश्रम में बुकिंग नहीं हो पाती तो आप आश्रम के इस बड़े से हॉल में भी रह सकते हो। यहाँ पर ऊपर फैन लगे हुए हैं और कारपेट बिछे हुए हैं, तो आप पैसे दिए बिना भी रात को यहाँ पर आराम से रह सकते हो। तो बस आने के बाद हम यहाँ पर अब बस में बैठ चुके हैं। ये साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट की बस है। ये तीनों आश्रम से यात्रियों को पिक करने के बाद साईं मंदिर और साईं प्रसादालय में छोड़ती है और वहाँ से फिर आपके आश्रम में छोड़ती है। तो ये बस पूरी तरह से निशुल्क है, कोई भी चार्ज आपको इसमें बैठने के लिए नहीं देना पड़ता है। तो बस ने हमें साईं मंदिर के ठीक सामने छोड़ दिया है। तो रोड क्रॉस करने के बाद हमें पहले अपने जूते, चप्पल और मोबाइल जमा करना पड़ता है। तो मंदिर में मोबाइल ले जाना अलाउ नहीं था, इसीलिए मैं कोई वीडियो नहीं बना पाई। पर हमने कैसे दर्शन किए और क्या क्या देखा ये मैं आपको जरूर बताऊंगी। 25 से 30 मिनट लाइन में लगने के बाद मैंने अपनी फैमिली के साथ साईं बाबा की इस बहुत ही सुंदर मूर्ति के दर्शन करके उनका आशीर्वाद लिया। तो जहां पर बाबा के मृत शरीर को दफनाया गया था वहीं पर उनकी ये संगमरमर से बनी सुंदर मूर्ति स्थापित की गई है और यहीं भक्त उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इसके अलावा मंदिर परिसर में एक खंडोवा मंदिर और नीम का पेड़ भी है, जहाँ के दर्शन आप कर सकते हो। तो खंडोवा मंदिर के बारे में कहा गया है कि यहाँ के पुजारी, जिनका नाम मालसापति था, उन्होंने ही हाँ साईं, जिसका अर्थ आओ साईं है, कहा था, तभी से उन्हें साईं के नाम से बुलाया जाने लगा। तो अगर आप शिरडी आए तो इस मंदिर के दर्शन भी कर सकते हो। इसके बाद हम दीक्षितवाड़ा गए। तो कहा जाता है कि इस दीक्षितवाड़े को साईं के कहने पर उनके भक्त काका साहिब दीक्षित जी ने यात्रियों के ठहरने के लिए बनवाया था और अब ये एक म्यूजियम है जिसमें साईं बाबा से जुड़ी चीजें रखी गई हैं। इतना ही नहीं, म्यूजियम का मैनेजमेंट यह भी दावा करता है कि म्यूजियम में मौजूद सारा सामान साईं बाबा का ही है, जो उनके जाने के बाद से अलग अलग लोगों से लेकर यहाँ पर इकट्ठा किया गया है। तो इस म्यूजियम में साईं बाबा के कपड़े, बर्तन, आटा पीसने वाली चक्की, उनके बैठने वाली चौकी और वो बर्तन भी हैं जिसमें वो खाना बनाया करते थे। तो सभी कुछ यहाँ पर मौजूद है और इसे देखना बहुत ही रोचक लगता है। तो इस म्यूजियम में आकर साईं बाबा के होने पर विश्वास और भी मजबूत हो जाता है। तो यहाँ आने के लिए कोई भी एंट्री फीस नहीं देनी होती है। तो इसके बाद आप साईं की पुरानी शिरडी के भी दर्शन कर सकते हो। साईं की पुरानी शिरडी को साईं हेरिटेज विलेज के नाम से भी जाना जाता है। तो इस जगह की खासियत ये है कि यहाँ आकर लगता है कि हम उसी वक्त में वापस चले गए हैं जब साईं बाबा हुआ करते थे। तो यहाँ आपको साईं बाबा की लाइफ से जुड़े कई स्कल्पचर या मूर्तियाँ देखने को मिल जाएंगी। तो यहाँ आप साईं बाबा को खाना पकाते, लोगों का इलाज करते, नाचते गाते, पालकी पर सवार होते देख सकते हो। यह जगह बहुत ही रोचक है। यहाँ आकर आप खुद को साईं बाबा के और करीब देख सकते हैं। तो यहाँ आकर आप स्वादिष्ट भोजन भी कर सकते हैं और एडवेंचर पार्क का आनंद भी उठा सकते हैं। तो यहाँ आने के लिए आपको 150 रुपीज एंट्री फीस देनी होगी।
तो फ्रेंड साईं मंदिर से अब हम पैदल ही आ चुके हैं साईं प्रसादालय में। तो क्योंकि थोड़ा भूख भी लग रही थी और मुझे आपको ये दिखाना बाकी भी रह गया था, तो अगर आप कभी भी शिरडी आएं तो यहाँ भी एक बार जरूर आएं। कहा जाता है कि साईं बाबा जब तक शिरडी में रहे उनके द्वार से कोई भी भूखा नहीं जाता था, तो उनकी इसी परंपरा को जीवित रखते हुए साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट ने 2009 में इस साईं प्रसादालय का निर्माण किया और ये एशिया का सबसे बड़ा प्रसादालय है। ये हॉल इतना बड़ा है कि एक साथ 5,500 लोग इसमें बैठकर भोजन कर सकते हैं। तो सुबह के 10 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक ये खुला रहता है। तो हमें यहाँ पर थाली में दाल चावल रोटी सब्जी के अलावा सूजी का हलवा परोसा गया है। अभी रात के 10:30 बज चुके हैं और सभी लोग खाना खाकर जा चुके हैं, तो अब ये हॉल इस तरीके से काफी खाली हो गया है, लेकिन दिन में ये लोगों से पूरी तरीके से भरा रहता है। तो एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि भोजन करने के लिए यहाँ आपको पहले काउंटर से टिकट लेनी पड़ेगी जो कि बिल्कुल फ्री है। तो फ्रेंड्स खाना खाने के बाद अब हम बस में बैठ चुके हैं और जा रहे हैं साईं भक्त निवास में, जहां हम आज रात रेस्ट करेंगे। तो फिर मैं आपसे मिलती हूं कल मॉर्निंग में। तो फ्रेंड्स ये क्लिप अगले दिन मॉर्निंग की भक्ति निवास की है जहां हम रुके हैं। तो आप जो ये लाइन देख रहे हो ये चाय कॉफी दूध की लाइन है, जहां 2 रुपए में एक कप चाय और 3 रुपए में कॉफी और दूध मिलता है। तो मैंने भी अपने लिए 2 कप चाय ले ली थी जो मात्र 4 रुपए की थी। तो चाय की कैंटीन के अपोजिट साइड में ये नाश्ते की कैंटीन है, जहाँ पर पैक्ड नाश्ता मिलता है और इसका प्राइस 5 रुपए पर पैकेट है। तो मैंने 20 रुपए में ये 4 पैकेट नाश्ता अपने लिए ले लिया है। तो इसे मैं रूम में जाकर ओपन करूंगी। तो इस पैकेट में 5 नमकीन पूरियां, ड्राई मसूर की दाल और 1 पीस बर्फी का भी है। तो मैं इसे यहाँ पर चाय के साथ एंजॉय कर रही हूँ। तो नाश्ता बहुत ही टेस्टी था और बहुत कम पैसों में आप यहाँ पर ब्रेकफास्ट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स अब हम भक्ति निवास से मुंबई के लिए निकल चुके हैं। तो मेरी बेटी आपको यहाँ पर हाय बोल रही है। तो फ्रेंड्स ये है इगतपुरी घाट और ये शिरडी से मुंबई के बीच रास्ते में पड़ता है। तो मेरे हस्बैंड जब भी यहाँ से गुजरते हैं यहाँ पर कार जरूर रोकते हैं, ताकि हम यहाँ पर इस ब्यूटीफुल व्यू को एंजॉय कर सकें। तो बारिश के दिनों में यहाँ का जो नज़ारा होता है वो बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो फ्रेंड्स आज के इस ब्लॉग में मैंने आपको शिरडी के साईं बाबा और शिंगणापुर के शनि भगवान जी के दर्शन कराए और इस वीडियो में मैंने आपको हर जानकारी देने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। तो मैं आशा करती हूँ मेरा आज का ये ब्लॉग आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।